क्रिकेट मैच के मैदान में मामूली बात को लेकर हुआ विवाद। यूपी के कौशाम्बी जिले में क्रिकेट मैच के मैदान में विवाद क्या हुआ, पूरा गांव अखाड़ा बन गया। देखते ही देखते गांव में जमकर लाठी डंडे चलने लगे। बताया जा रहा है कि क्रिकेट के मैदान में विवाद हुआ, जिसके बाद गांव के प्रधान अपने कुछ साथियों को बुलाकर मोहनलाल सरोज के घर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में आधा दर्जन महिलाओं के साथ चार युवक घायल हो गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना लोकल पुलिस को दी, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक के साथ जिले के कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया और घायलों को अस्पताल भेजकर जांच में जुट गई। कौशाम्बी जिले के सराय अकील थाना के सुखवारा गांव में क्रिकेट मैच को लेकर गांव के प्रधान ने मोहनलाल सरोज के घर पर अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। हमले में मोहनलाल सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। क्रिकेट मैच के मैदान में हुआ मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ ही घंटों में पूरा गांव अखाड़ा बन गया। मौके पर पहुंचे सीओ चायल केजी सिंह ने बताया कि विवाद क्रिकेट मैच को लेकर हुआ, जिसके बाद एक पक्ष मोहनलाल सरोज के घर लाठी डंडों से लैस होकर हमला कर दिया। पुलिस ने 16 लोगों को नामजद और कई अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया। मौके पर पहुंचकर स्थिति सामान्य कर दी गई है और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दबिश दी जा रही है। लोगों को 100 डायल से सूचना आई कि रानीपुर सुखवारा गाँव है, जो सरायकेला थाना क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पे एक सरोज बिरादरी और एक मुस्लिम कामरान प्रधान है, उनके बच्चों के मध्य क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ है। तत्काल हमारी पुलिस, स्थानीय पुलिस यहाँ थाना अध्यक्ष सरायकेला व करारी जो निकटतम थी, हमारी पिपरी चरवा और सारे लोग हम लोग पहुँचे और मैं स्वयं आया और यहाँ पे जो लोग खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, उसको लेकर जो विवाद हुआ था उसको समझा गया और लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति उत्पन्न हो रही थी वो सामान्य हो गई है, भगा दिया गया लोगों को। और जो वादी पक्ष है, उसके जो घायल लोग हैं, उनको हम लोग चिकित्सा के लिए भेजा है और इनके वादी पक्ष के तहरीर के आधार पर आवश्यक हम जो विधिक कार्रवाई हो कर रहे हैं और जो भी अभियुक्त हैं इसमें शामिल, घटना में जो भी मारपीट में शामिल रहे, हम सबको अरेस्ट करेंगे और उनको जेल भेजेंगे। कितने लोग घायल हैं सर? अभी तक जो बात आई है 3-4 लोगों की बात आ रही है, सामान्य रूप से घायल हैं, कोई ऐसी हैवी कोई ग्रीवियस इंजरी की बात नहीं आ रही है। अब वो उनका चिकित्सीय उपचार हो रहा है, मेडिकल रिपोर्ट के आएगी, उसमें क्लियर हो पाएगा क्या किससे किसको। बिल्कुल, जो है अभी हम उसमें लगे हुए हैं, गिरफ्तारी में, अरेस्टिंग में लगे हुए हैं, हम अभी दबिश दे रहे हैं। अभी प्रधान की गिरफ्तारी की बातें जो है संज्ञान में जो आ रही है, हमारी टीमें गई हैं, अभी हम उनसे संपर्क करते हैं, जो स्थिति होगी फिर बाद में हम अवगत कराएंगे।